Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. So मैंने बहुत अरसे पहले अपनी हैंड बैग की कलेक्शन की वीडियो शेयर की थी. तो अभी मैंने रिसेंटली कुछ न्यू बैग्स दिए हैं, कुछ सेल वगैरह पे मुझे अच्छी डील्स लगी हुई थी तो मैंने कुछ परचेज किए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके. तो जो सबसे पहला बैग है ना, वो मुझे बहुत पसंद है और ये छोटा सा मिनी सा बैग है, तो आप इसको यूं भी कैरी कर लेते हैं और इसके साथ लॉन्ग हैंडल्स आते हैं, लेकिन मैं वो बहुत कम यूज़ करती हूँ. वो पता नहीं मैंने रखा भी कहाँ हुआ है. आप उसको लगा लें तो आप इसको एज अ शोल्डर बैग यूज़ कर सकते हैं, इवन क्रॉस बॉडी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा है, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये देखें ये अभी भी न्यू का न्यू ही है. और इसकी बड़ी अच्छी बात है कि आप इस पर कोई भी स्टेन वगैरह नहीं पड़ता. अगर गीला वगैरह भी हो जाता है ना तो आप इसको सिंपल वाइप करें कपड़े से और ये बिल्कुल साफ हो जाता है. तो इसमें ये देखिए यूँ पॉकेट्स हैं, ये दो बटन वाली पॉकेट्स हैं और ये काफ़ी अच्छी डीप हैं. इसमें मास्क निकल आया है और ये दूसरा वाला भी है. लेट्स सी इसके अंदर कुछ है कि नहीं. हाँ, ये टैग है आई थिंक इसका. अच्छा, और इसकी ये पॉकेट है, जिपर पॉकेट अंदर काफ़ी मेरे यूजेबल पॉकेट्स है. इसके अंदर भी मुझे कुछ चीज़ें हैं आई थिंक समबडीज़ कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी कुछ मेरी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े. लेकिन इसके अलावा जो इसके यूँ बैक में ना, ये देखें स्लाइड पॉकेट है, तो आप इसमें फ़ोन रख दें या कीज रख सकते हैं. मैं मुंसा है और ये है भी मेरा काफ़ी पुराना बैग, आई थिंक इसको 2 साल 2.5 साल तो हो गए हुए हैं. सो मैं यूजुअली बैग चेंज करती रहती हूँ, तो बस मुझे होता है कि कुछ अरसे बाद बैग चेंज कर लिया. सो हालांकि बेशक कोई यूज बैग ही हो ना, तो फीलिंग ऐसी आती है यार अब ये नया बैग है. सो दूसरा ये बैग है जी, इट्स कोच का बैग है. तो ये मैं कुछ पिछले साल मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया था, लेकिन मैंने इस साल इसको इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि ये ज़रा थोड़ा भारी है. इसमें चीज़ें बहुत कुछ आ जाती हैं, है ये बहुत स्पेशियस और बड़े काम का. तो इसमें ये देखिए इस तरह ये दो हैं, मुझे इसका अंदर वाला मटेरियल बड़ा अच्छा लगता है, ये कलर रेड कलर. इस तरह ये दो दूसरी भी पॉकेट बैग है और जो इसकी मेन है ना, ये जो मेन पॉकेट है ना, जिपर पॉकेट, ये देखिए बहुत खुला है और ये लाइट वेट है. बेशक आप इसमें चीज़ें डालें लेकिन विदाउट एनी चीज़, देखिए काफ़ी लाइट है और बहुत मुझे इसका जो मटेरियल है सॉफ्ट लेदर सा है और आई रियली लव दिस. तो मुझे एक बड़े बैग्स में मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, जितने भी मेरे चारों बड़े वाले बैग्स हैं ना उसमें ये मेरा बिल्कुल फेवरेट बैग है. तो ये मोस्टली आप मतलब आप ऐसे ही शोल्डर बैग है, आप इसको यूँ पकड़ सकते हैं. तो जब आपने ट्रैवल करना हो तो ये बहुत अच्छा रहता है, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं. अच्छा, जो मेरा तीसरा बैग है, अभी ये मैं आपको सारे यूज़ बैग दिखा रही हूँ जो मेरे पास थे और मैं यूज़ करती रही हूँ. तो ये है जी, इट्स माइकल कोर्स, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है. इसमें भी ये है कि ये थोड़ा बड़ा बैग है, लेकिन इसमें भी ये लॉन्ग हैंडल्स है, आप इसको एज अ शोल्डर बैग यूज़ कर सकते हैं या आप इसको ऐसे एज इट इज़ भी कैरी कर सकते हैं. सो मुझे इसका कलर बड़ा पसंद था, तो मोस्टली मेरे पास सारे ब्लैक ब्लैक हैं, तो ये मैंने लिया क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमिश सा कलर है, बेज सा कलर, लाइट क्रीम सा कलर है. तो इसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये भी बड़ा अच्छा है. इसकी एक ये पॉकेट है और इसी तरह इसमें दो हैं जो बटन के थ्रू बंद हो जाती हैं और ये काफ़ी स्पेशियस है. इसमें भी ये देखिए इस वाली में ये साइड पे ये 1 2 3, आप इसमें अपना पेंस वगैरह डाल सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं. इसी तरह दूसरी साइड पे ये जिपर पॉकेट है, इसमें आप डाल सकते हैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें. ये वाली भी पॉकेट्स हैं, इनमें जो है ना फ़ोन तो नहीं आ सकता. फ़ोन जो ऑफ वॉलेट होता है ना, वो हमेशा मैं जिपर पॉकेट में डालती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मेरा बैग जब मैं कैरी कर रही होती हूँ, बच्चे मोस्टली कभी कभी ऐसे चीज़ ढूंढने के लिए जी वो बैग खोलते हैं करते हैं, तो मुझे होता है कि वो इधर उधर निकाल ना दें या गिर ना जाए. सो वो मैं जिपर पॉकेट में रखती हूँ, उसमें सिर्फ मेरी चीज़ें होती हैं. तो अगर कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ चीज़ें तो मैं इर्द गिर्द की पॉकेट्स में रखती हूँ. तो ये यूँ भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा ऐसे कैरी करती थी, मुझे शोल्डर वाले बैग ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो लेकिन इसको यूं भी किया जा सकता है. आई लव दिस बैग, मुझे इसका कलर बड़ा पसंद है और आपको मैं इसको करीब से दिखाती हूँ. स्टिल ब्रांड न्यू का न्यू है. मैं जब सेल लगी होती है ना तो मैं बैग्स हमेशा
कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रांडेड लूँ। एक तो ये है कि वो लंबे चलते हैं। अब ये भी मेरा तकरीबन 3 साल पुराना बैग है, लेकिन कहीं से ये नहीं लगता कि ये 3 साल। आप लोग क्या दस इसी कंडीशन देखें, बिल्कुल नया का नया। तो अगर आप अच्छे बैग लें तो चलते हैं, और जिप्स नहीं ख़राब होती, वो लॉन्ग वियर होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जो मैं दूसरे बैग लेती हूँ ना, उनमें बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। मैं वैसे इतनी ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि बैग्स के मामले में बहुत ज़्यादा भी नहीं। जैसे कुछ लोग गुची, लुई वुटन, सो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मेरा ख्याल है माइकल कोर्स या कोच, ये इनके बैग्स होते भी बहुत अच्छे हैं और प्राइस भी थोड़ी सी मुनासिब होती है, और इनकी डील्स वगैरह भी लग जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तो मेरा था तीसरा। और अब आते हैं जी, कुछ मैंने नए बैग लिए हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये। नहीं, और ये भी बैग है। ये भी बैग है, ये भी यूज वन है। ये पीछे छुपा हुआ था, नज़र नहीं आया। तो ये देखें, ये क्रॉस बॉडी है, ये भी मेरा बहुत चला है। आई लव दिस वन। इसकी एक ये पॉकेट है, आप ये भी देखें कि करिए, मैंने इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया पिछले साल। मैंने तकरीबन इसको डेली यूज़ करती रही हूँ। तो ये देखें, इसकी ज़िपर पॉकेट है, इसमें भी पता नहीं मैंने क्या चीज़ें भरी हुई हैं। और मेरा नेल कटर निकल आया, मैं नेल कटर अक्सर रखती हूँ। अच्छा जी, और इसकी दूसरी साइड पे इस तरह का ये बटन वाली पॉकेट है, तो इसमें भी मेरा पता नहीं क्या क्या माल घुसा हुआ है। तो और इसकी ये हैंडल है इसके साथ। इसकी जिप्स बड़ी अच्छी होती हैं, मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनकी जिप्स बड़ी लॉन्ग, यानी कि कभी ख़राब नहीं हुई इनके बैग्स की जो जिप्स वगैरह है। इसके अंदर ये है जी, एक ये जिपर पॉकेट है आई थिंक। नो, दिस इज़ नॉट अ जिपर पॉकेट, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल पॉकेट, और इसके अंदर ये है। तो ये भी देखिए, अंदर खुला है, बड़ा स्पेशियस है, लेकिन स्लीक भी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और इसका स्टाइल भी बड़ा अच्छा लगा था, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा इसका ये जो। और इसकी ज़िप बड़ी अच्छी है, इसकी जो ज़िपर पॉकेट है ना, बड़ी स्मूथली ज़िप हो जाती है, वरना मोस्टली ज़िप अड़ती है। तो ये भी मुझे, मेरे सारे बैग जो है ना, मुझे ज़ाहिर आपको पसंद आते हैं तो आप लेते हो ना, तो ये सारे बैग वैसे मेरे फेवरेट हैं। और मैं जब इनको यूज़ करके देखा है, तो मैं इनको यूज़ भी कर रही हूँ, बिकॉज कम्फर्टेबल, और इनको कैरी करना बहुत आसान है। और आई एम हैप्पी कि मेरी सारी परचेजेज में मुझे ना, मतलब कई दफ़ा होता है कि आप बैग ले लेते हो और आप उसको इतना यूज़ नहीं करते, आपको पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे ये सारे बैग्स बहुत अच्छे लगे और बहुत ही मैंने इनको यूज़ किया। अब बारी आती है जी कुछ नए बैग्स की जो मैंने लिए हैं। अभी मैंने उनको यूज़ नहीं किया, तो चले देखते हैं। ये वाला है सबसे पहले मैंने लिया जी, माइकल कोर्स का। ये बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही क्यूट इसका हैंडल है। इसके साथ आई थिंक बैग है, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं आया और मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ बिल्कुल। लेट मी ओपन दिस। इसके साथ भी हैंडल आया है, आप इसको एज अ इसे कहते हैं ना, शोल्डर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये अंदर है, काफ़ी स्पेशियस है। इसमें भी एक ये देखें, इसका टैग लगा हुआ है। तो ये जिपर पॉकेट है, और उस दूसरी साइड पे वो एक स्लाइड करने वाली, तो इसमें आप फ़ोन रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी सी है। और दूसरी जिप साइड जिपर पॉकेट है, और साथ में इसका ये है, और ये भी चेन वाला है। मैंने सबको, अच्छा पूरा चेन नहीं है, इसमें आगे जो है ना, ये देखें यहाँ तक चेन है और फिर स्ट्रैप है। सो आई लव दिस वन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये था कि ये सेल पे लगा हुआ था, तो मेसिस वगैरह में मोस्टली बैग मेसिस से लेती हूँ, या कभी कभी इनकी अपनी वेबसाइट है, माइकल कोर्स की वेबसाइट पे या कोर्स की वेबसाइट पे सेल वगैरह लगी होती है, तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। अगर मैं नज़र रखती रहती हूँ बैग वगैरह पे, मुझे से कहते हैं जब आपको शौक हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो आप जो है ना वो चीज़ ले ही लेते हो। इधर गई है जी, इसको बंद करके रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो होता है ना, ये जब तक मैं यूज़ करना नहीं स्टार्ट करती, मैं इसके अंदर से इनकी जो ये जो पैकिंग और एक्स्ट्रा स्टफ़ है मैंने निकालती, इससे बैग डी शेप नहीं होता। आई लव दिस शेप, इसे कहते हैं ना छोटा सा ये ढोलनुमा बैग है, बट इसकी गोलू मोलू सा बैग है, बट इट्स आई लव दिस शेप। मेरे पास ऐसा कोई बैग था भी नहीं, सो आई प्रेफर कि मैं इसको एज इट इज़ कैरी करूँ। तो इसमें आपकी वाटर बॉटल सब कुछ आ सकता है, कैजुअल वे में भी बहुत अच्छा है। इसके आगे भी एक पॉकेट है, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो या रसीदें वगैरह। रेडली लंदन का बैग है,
तो इसकी भी शेप मुझे बड़ी अच्छी लगी है, देखें क्यूट सी शेप है, और ये ब्लैक कलर यूनिवर्सल। ये पीछे भी इसकी पॉकेट है, आप स्लाइड कर सकते हो, फोन वगैरह आगे है, आगे कोई पॉकेट नहीं है, सो आगे ये है इसका। एंड इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर जो है ना काफ़ी स्पेशियस है ये देखें। साथ इसके आए ये डस्ट बैग इसका आया है, इसका भी ये देखें लॉन्ग हैंडल है, लेकिन मैं इसको ऐसे लॉन्ग हैंडल के साथ यूज नहीं करूँगी। अंदर फिर वही जिपर पॉकेट है, और ये वही स्लाइड छोटी पॉकेट है जिसके अंदर फिर पेपर डाला हुआ है इन्होंने, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्यूट सा लगा है। आप इसको भी ऐसे कैरी कर सकते हैं, और जो ये जिपर वाले होते हैं जो टोटली जो जिपअप हो जाते हैं, इससे होता है कि आपकी चीज़ें सिक्योर होती हैं, आपका बैग गिर है कहीं ये हुआ है तो चीज़ें इधर उधर नहीं निकल के चली जाती, तो मुझे इस तरह के बैग्स अच्छे लगते हैं। तो ये आप कैजुअल वेयर के लिए कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना ब्रांडेड बैग था, लेकिन ये मुझे इसकी शेप बड़ी अच्छी लगी तो फिर मैंने इसको ले लिया, और मुझे कलर भी अच्छा लगा था इसका ब्लैक, और साइज़ बड़ा मुनासिब है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा। मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा था ये कोच का, लेकिन जो आम वियर में मुझे ना ये साइज़ में होता है कि आपकी आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसमें, ये इसमें ये होता है कि थोड़ी चीज़ें थोड़ी होती हैं, ये आप जैसे से फ़ोन वॉलेट और दो चार और चीज़ों के लिए बेस्ट है, बट इट्स रियली क्यूट, मुझे बड़ा अच्छा जी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बैग की तरफ, तो नेक्स्ट बैग है जी ये, इसको मैं निकाल के फिर आते, ये भी मैंने अभी कोच से लिया। लुक एट दिस बैग, ये छोटू सा मिनी सा बैग है, इज सो क्यूट। तो ये भी इसके साथ भी बिग हैंडल आता है, आप क्रॉस बॉडी के तौर पर पहन सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ भी कैरी कर सकते हैं, मुझे एज इट इज़ कैरी करना बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा क्यूट सा छोटू सा है, तो ये खुलते हैं बड़े मज़े से हैं। इनके ये बटन है मैग्नेटिक, ये देखें यूँ खुलता है, इसके साथ भी ये हैंडल लॉन्ग हैंडल है, ये देखें अंदर दिया हुआ था उन्होंने, और अंदर एक ये वाली पॉकेट है, इसके अंदर फिर एक स्लिप ऑन वाली है, ये देखें आपको दिखाती हूँ पॉकेट है, फिर ये जिपर है, और एक और स्लाइडर है, तो इसमें भी आप वॉलेट डाल दें आपका फ़ोन आ जाएगा, और ये देखें लॉन्ग हैंडल है एंड छोटा, आई लव दिस वन, बड़ा छोटू सा क्यूटू सा बैग मुझे लगा एंड आई लव दिस वन। अच्छा इसके साथ ना मैंने इस बैग के साथ मैंने एक और बैग भी लिया था जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, आप इसके मटेरियल चेक करें, और ये मुझे इतने अच्छे, ये अंडर 100 मुझे मिले हैं, तो ऑल दो ये इनके प्राइसेस ओरिजिनल देखी जाए तो पता नहीं 350 समथिंग थी, ये बहुत महंगे बैग है, उनके देखें इनके जो टेक्सचर है थोड़ा सा ज़रा डर्टी हुआ है ऊपर, क्योंकि मैं इसको आजकल यूज़ कर रही हूँ, तो ये देखें सो क्यूट, ये देखें ये इसके अंदर वाली पॉकेट है जिससे मैंने कुछ रसीदियाँ वगैरह रखी हैं फोनीज, क्योंकि आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये देखें ये भी इसी तरह खुलता है, ये मैग्नेटिक से बंद हो जाता है, यूँ खुलता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं मैं आजकल यूज़ कर रही, ये मेरा वॉलेट है, और क्या है जी इसमें कोच का एक टैग है भाई आई थिंक टूट के, साथ नेल कटर रखा हुआ है मैंने, और इसमें मैं कीज़ भी रख देती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, ये दूसरा वाली पॉकेट है, ये थोड़ी छोटी है, इसमें बस आप रसीदें या कोई और चीज़ डालनी हो तो ये बिग पॉकेट है जिसमें मैं अपना डालती हूँ वॉलेट एंड टिक, इट्स नाइस। अच्छा जी नेक्स्ट मैंने बैग लिया है, शायद मैंने आपको पहले भी ये दिखाया हुआ है, बट अब यकीन करें अभी तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया ये मुझे थोड़ा सा है, ये मैंने क्रॉस बॉडी इट्स अ बैक पैक, तो दिस इज अ लॉन्ग, इसको आपने पीछे यहाँ एडजस्ट करके कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिया तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं कहीं ट्रैवल करना होता है तो उस ट्रैवल के लिए मुझे होता है कि थोड़ा छोटा है, क्योंकि मुझे वाटर बॉटल और पता नहीं क्या क्या रखना होता है, तो ये मुझे थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी फैंसी क्यूट, तो लेकिन आई होप कि कहीं भी मुझे यूज़ करना पड़ जाए, बट आई रियली लव दिस, ये भी मुझे कहीं डील पे लगा था तो मैंने फट से ले लिया, क्योंकि ब्लैक कलर में आपको डील पे कम ही मिलता है, वरना जो दूसरे शेड कलर होते हैं ना वो आपको फिर भी डील पे मिल जाते हैं, लेकिन ब्लैक कलर बहुत मुश्किल है, और ब्लैक कलर आपके हर सूट के साथ चला जाता है, हर कपड़ों के साथ, जो उसकी मेन जिप है ना, तो फिर ठोंसी हुई चीज़ें,
ये मैंने निकाली बाहर, ये की है, ये इतनी ज़्यादा इसमें स्पेस है, इसका ये ऊपर हैंडल भी है। सो दिस इज़ द लास्ट बैग। तो ये थी मेरी जी कुछ अपडेटेड हैंड बैग्स कलेक्शन 2022। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा बैग कौन सा लगा और कौन सा बैग आपको ऐसा लगा कि मैंने पैसे ज़ाया कर दिए, फिजूल खर्ची कर दिया। तो बस ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिमेंबर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।